<laughs> थोड़ा मैं जो बोलने वाला हूँ शायद थोड़ा सेक्रिलिजस है मेरे पास कोई जोक्स नहीं है पंद्रह साल से कर रहा हूँ हाँ। एंड मैं ट्राई किया हूँ टू राइट जोक्स पर होता नहीं है मुझे मैं हर दिन सोचता था ये कॉमेडी खत्म हो जाएगी ये कुछ हाँ। चलेगी नहीं फिर नौकरी करना पड़ेगा यू यू आस्किंग मी क्वेश्चन अभी कि थिंक द कॉमेडियंस आर फनी इन रियल लाइफ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट

And, and we can agenda off. is to just make people laugh Hi guys, welcome back to Comedian Kaike. वैसे मैं जितने भी कमेडियन से आज तक मिली हो ना रियल लाइफ में बहुत रेयर होता है कि कमेडियंस एक्चुअली फनी होते हैं बट दिस मैन टूडे आई के डू नॉट ही वॉज सो फनी आई मीन आप जब कॉन्वर्जेशन देखोगे यूर जस्ट कन गो लाइक सो स्मूथली इन टू इट बिकॉज ही इज लिटरली दैट पर्सन हु कैन सिट विथ यू एंड टॉक टू यू फॉर आवर्स एंड यू नॉट इवन रियलाइज की टाइम कहाँ निकल गया He's a writer, he's a comedian, and he's an amazing person. I think you should definitely meet him. So let's get the conversation started. So I'm so happy to have you. Thank you for having me. It's my pleasure. I have heard so much about you from.

प्लान था बॉम्बे में आई एव बिन लिविंग इन बॉम्बे लॉन्ग टाइम और उस टाइम जो छोटे छोटे जिंदगी में चीज़ होते थे टाइनी mm -hmm. टाइनी थिंग्स जो होते mm -hmm. थे जैसे आज सुबह मेरे साथ हुआ कि mm -hmm. मेरे वॉलेट में तीन नोट थे अभी हाँ। ये तो आजकल नोट्स कोई रखते नहीं है राइट ज़्यादा बिकॉज़ ऑफ़ और सो मेरे थर्टी सिक्स रुपीज था हाँ। तो मैं तीन चीज कर सकता और मुझे पास में ही जाना था अपना पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग हाँ। में ठीक है तो मैं सोचा कि सिंपल इज एक उबर ऑटो ले लो बट मोर चैलेंजिंग इज दैट एक रेगुलर ऑटो ले लो हाँ हा? और देखो थर्टी सिक्स रुपीज कितना क्लोज तुमको पॉडकास्ट स्टूडियो के ले जा सकते हो बिकॉज पांच सौ का तो छुट्टा नहीं होगा उसके हाँ. पास राइट दिस ऑज माई थिंकिंग राइट जस्ट टू मेक इट चैलेंजिंग सो मैं बैठा बैंड्रा में मैं चल रहा है चल रहा है जब थर्टी सिक्स हो गया मैं बस वो हो गया मेरा अब बता दो मुझे एंड अभी कुछ छः मिनट का चलने का था बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियासिटी मैं चलना शुरू किया फिर रोक गया देन आई वेंट बैक टू हिम आई सेट

अभी ये जो एक है ये एक जिंदगी का कनाड्रम है राइट right? इट्स okay. अभी मैं ये कनांड्रम किसके साथ डिस्कस करूं <laughs> अगर मैं घर में बोलूं लोग माय वाइफ विल थिंक मैं पागल आदमी हूं राइट सो किसी के साथ तो मुझे डिस्कस करना है <laughs> तो यहाँ से शुरू हुआ कि जिंदगी ये छोटे छोटे चीज़ कुराल नॉल एंड आई यूज टू चैट अबाउट एंड देन

अभी thousand. A thousand तो हो गया होगा yeah, wow. फिर हम लोग ने स्पॉटिफाई लो के साथ किया दो साल yeah. फिर सो so, थाउजेंड तो हो गया और जो जो कन हम लोग कवर किए वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग <laughs> you know, है हम लोग ऐसे सोचते कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ था कभी करेक्ट सो so तो तो वो तो एक रिलेटेबिलिटी तो है और ऑडियंस uh, के जो आज कल कन रमजारे वो हमसे बहुत इंफिनिटली uh, बेटर है <laughs> अमेजिंग कनाशली आपके जेनरेशन के जो है डिस्टिक्शन बट बट यू नो आपकी यंगर जेनरेशन एक लेडी ने भेजा कि वो शी इज जस्ट मूवड इन विथ अर बॉयफ्रेंड्स वो लोग बैंगलोर में रहते हैं और अभी वो लोग एक बाथरूम शेयर कर रहे हैं और उन तो शी इज नॉट श्योर कि वेदर शी वॉन्ट्स टू मैरी दिस गाय नॉट ठीक है जस्ट कस अप द बाथरूम या एज अ सेपरेट थिंग शी इज नॉट श्योर बट दे आर टेस्टिंग आउट लिविंग टुगेदर कि हम mm -hmm. लोग एक साथ रह सकते हैं कि नहीं फाइन अभी उनको एक अपार्टमेंट मिला है उन उनका एक सोप होल्डर है अच्छा तो उनका करणडम है कि उनका बॉयफ्रेंड का सोप <laughs> उनके सोप को पुश आउट कर रहा है इनक्रीसिंग और कांस्टेंटली उनका सोप गिर जा रहा है सो <laughs> so, इसका मतलब क्या है एंड hmm. अगर हम लोग शादी करेंगे कि मेरा सोप क्या ऑलवेज डिस्प्लेस्ड हो जाएगा <laughs> yeah. उसके बहुत ज्यादा क्वालिटीज है वो अच्छा बैडमिंटन कितना दैट्स इज रेलिवेंट बट अगर ये सोप

and uh, other than this i mean you started this with our last week in 2013 ji and uske pehle i i was just uh, scrolling through your wikipedia today and i was i kept going down i kept going down neeche 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 yes you started in 20, 2003 i think yeah hum log ne ek picture when i see lions of punjab presents bahut pehle jo us time mein ye sing apne pvrs just aaye हाँ. the

में एक अपने ऑडियंस का एक बेस लेवल इंटेलिजेंस है हुँ. तो अगर आप वो बेस लेवल इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करेंगे जैसे हुँ. हम लोग का बहुत सारे कॉमेडीज है जहां पे अ लॉट ऑफ ये सब होता <laughs> रहता है ये सब, ये सब करने की जरूरत नहीं है हाँ. जैसे मुझे कभी, कभी कभी कपिल शर्मा का जो टॉक शो है हुँ. मुझे वो बेस्ट सेक्शन लगता है जब वो बात कर लोगों के साथ यू नो बिकॉज उसके कमबैक्स बहुत अच्छे हैं यू नो बिकॉज वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि मैं mm. आ, ये छोटी शहर का ये ऐसा आदमी हूँ mm. और मेरे पास ऐसा स्कूटर है mm. और मैं ऐसे जिंदगी जीता हूँ yeah. और मेरे पास शाहरुख खान है और उसके पास यू you नो know, बड़ा लैम्बॉगी yeah. है एक्सेट्रा सो uh, so मैं जब वो कैरेक्टर के पूछता हूँ mm. कि सर आपका टेलर कौन है और वो बोलेगा बेलेंसी आगा वेवर mm. आपका टेलर कौन है मेरा टेलर है सतीश अंधेरी समथिंग दट्स फनी बिकॉज द कैरेक्टर इज़ वेरी फनी सो आई थिंक दैट अगर हम लोग टोनली जिस देश जैसा है यू नो उसको देखते हैं ये एक्स्ट्रा कॉमेडी बनाने का जरूरत नहीं है यू नो you know, तो मैं ऑलवेज ये एग्जेजरेशन से थोड़ा दूर रहता हूँ हाँ एंड हाँ। अगर हम लोग एवरी डे लाइफ में आ, इतने रेगुलर एवरेज सटल कॉमेडी है hmm. कि उसको हाई फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है That's मुझे लगता really. है तो वही में like सारी ज़िंदगी yeah, मुझे औ, और वो वो नहीं है मतलब को को भी पसंद आएगा या exactly. या कोई लाइफ को, yeah. तो लाइफ होता बदल, technologies है टेक्नोलॉजीज बदलते हैं जो yeah. पहले लाइफ में होता था अभी टेंडर में होता है जो भी है mm -hmm. वो ऑब्जर्वेशन तो कॉमेडियन का काम है लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग को रिडिकुलस बनाना है यू you नो know, कुछ सो so इसलिए मैं जो भी एक्टर्स के साथ काम करता हूँ या जो भी और इतने टैलेंटेड कॉमेडी टैलेंट्स हैं अभी do, इंडिया में yes. और जैसे हु <laughs> सो मैनी देखिए मैं give तो okay, मैं तो शोज देखने जाता हूँ बहुत सारे एज oh, इन wow. जब मैं हाँ. काम नहीं कर रहा हूँ mm -hmm. मैं ओ कितना है अजीम वाला mm. अनिल पान दासगुप्ता विपुल गोयल माई डाई हार्ट फेवरेट बिकॉज वो जो ऑब्जर्वेशन करता है ना yeah. वो एक मेन स्ट्रीम इंडिया के जो ऑब्जर्वेशन करता है mm. Uh funny too y looks up hey, but mujhe inke observations or intelligence pay yeah. uh, you know <laughs> You are asking it, uh, me a question, Abiki uh, you think the comedians are funny in funny really real life. Or not? What do you think about that? I, many are not. <laughs> I but that doesn't matter because yeah. I, I'm, I go to see the show hmm. and the show is funny. Don't you think comedians get uncomfortable when when there's like a two sided conversation <laughs> happening most of the times because on the stage they are alone and they are just

कहते हैं कि देखिए हम लोग एक्टर्स को बहुत सारी जगह जाना पड़ता है ओपनिंग करना पड़ता है ये करना पड़ता है mm. और एक्टर्स एसेंशियली बहुत ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं यू नो बट उनका एक सोशल पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता mm. है लाइक यू हैव टू बिकम एन एक्टर इन रियल लाइफ यू नो कॉमेडियंस एक्टर्स एक्चुअली परफॉर्मर्स दे वेरी उन लोग का जो एक्सट्रोवर्टेड साइड ऑफ लाइफ वो एक घंटे में है hmm. या दो घंटे का फिल्म में है इन रियल लाइफ वो बहुत क्वाइट लोग होता है जैसे मैंने अभी एक hmm. रणबीर कपूर का पॉडकास्ट देखा yeah. वो बोल रहा था कि वो जनरली बहुत इंट्रोवर्टेड आदमी है His <laughs> oh, performances with Kamat, right? correct with yeah, yeah. With that निखिल कामत podcast वो मतलब उनका काम extroverted है उनको hmm. यहाँ जाना पड़ता है ये opening करना पड़ता है ये करना पड़ता है but एक्चुअली द हम लोग का जो जो पब्लिक इमेज है yeah. <laughs> वो एक फार्स है तो जब आप बैठते हैं कमीडियंस के साथ huh. जैसे मेरे घर में माई वाइफ इज़ मच फनी आई एम

फंडामेंटल जॉब ऑफ अमेडियन हम लोग yeah. exactly, yeah. mm. लो को यू नो दिस इज दीक्रेट दैट कोई बताना नहीं है <laughs> हम लोग का काम बात करना नहीं है हम लोग का काम सुनना है yes. एब्सोल्युटली फिर उसको लेके आप

तो यहां पे 2007 में आया था 2005 जी, या 7 में आया जी 7 एक्जेक्टली exactly, 7 में आया था हुँ. और 5 6 साल चला और हम लोग के करियर सबका करियर वहाँ शुरू हुआ सबका मतलब एट लीस्ट द फर्स्ट जनरेशन खत्री या yeah. सौरभ पंत विपुल अजीम सपन वर्मा mm -hmm. आपके सब एआईबी के जो mm -hmm. लोग रोहन तन्मय yeah. <laughs> आशीष शाकिया गुरसिमरन खामबा तो हम लोग उस समय से दोस्त हैं और आ, सब लोग का जिंदगी कुछ का खामरा हम लोग सबके ज़िंदगी डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए लेकिन हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट वही था सो so, उसके बाद में देन इनिशियली व्हेन वी व्हेन यू वर डूइंग इट इन यू नो द वेयर वर यू एग्जैक्टली इन लो परेड में था वो uh, जो क्लब था लो परेड में मैं हम लोग सब बॉम्बे में ही थे एंड आई वाज राइटिंग उससे पहले आपने कहीं और भी परफॉर्म किया था ना जी मैं उससे पहले यूएस में परफॉर्म किया था बट वो मेरा ऑलवेज गोल था ये, ये सब छोटी फिल्म बनाना ऑलवेज था एक्चुअली आल्सो मैंने आपके YouTube पे देखा है ये कल्ट कॉमेडीज बने बनाने का प्लान था ये नागेश कुकुनूर के फिल्म्स आए थे उस टाइम एंड ही वाज अ बिग इन्फ्लुएंस इकबाल बोल के एक पिक्चर बनाई थी वो टे hmm. सो so, वो ऑलवेज मेरा गोल था ये एक डिस्ट्रैक्शन बन गया बट मैं हर दिन सोचता था ये कॉमेडी खत्म हो जाएगी ये कुछ ah. चलेगी नहीं फिर नौकरी करना पड़ेगा बट बॉम्बे में फिल्म तो ऑलवेज रहेगी लाइक रहे, फिल्म hmm. या टीवी वो सो वो ऑलवेज था कि एक नया काइंड ऑफ कॉमेडी बनाना है एक अर्बन काइंड ऑफ कॉमेडी बनाना है ये इंडिविजुअली परफॉर्म करना है और ये कॉमेडी का एक्सप्लोजन yes. ये अभी मेरा पूरा जिंदगी को रूइन कर दिया अभी अभी बीस साल फिर ये सब करना पड़ा है और आ। मैं आस्ते आस्ते अभी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्टिंग में वापस जा रहा हूँ तो अमेजोन के लिए हम लोग ने दो छोटी सीरीज बनाई थी हुँ, हुँ, बीच में एक पैंडेमिक के टाइम में एक का में नाम था वकालत फ्रॉम होम हाँ उसमें कुबरा थी उससे पहले हमने गोइंग वायरल बोल के एक सीरीज बनाई थी उसमें कुनाल था और कुबरा भी थी आ, या। सो स्टैंड मैं ऑलवेज सोचा था कुछ हॉबी या पास्ट टाइम होगी ये ये इतना बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी जैसे आपके शो होंगे जहाँ पे आप कमेडियंस बनाएंगे यू नो लाइक इतना एक्सप्लोसिव हो गया प्लस

Uh, आदमी का एक सोर्ट ऑफ स्टेरियो टाइप वो कमेडियन फुलफिल कर मैं थोड़ा अंग्रेज टाइप का चीज़ पसंद करता हूँ हाँ. तो <laughs> मैं वो लेफ्ट ओवर एम्पायर कॉलोनियल इंडिया यू नो दैट सॉर्ट ऑफ शशि थरूरियन स्पेस <laughs> उसका कमेडिक एक्सप्लोरेशन मुझे बहुत पसंद है yes. तो uh. मैं शहरों में करता हूँ मैं यूके में करता हूँ मतलब hmm. right? अगर आप मोस्टली इंडियन ऑडियंसिस कर रहे हैं बाहर इट्स द सेम पर अगर आप एक कम्प्लीटली मतलब ब्रिटिश ऑडियंस के लिए कर रहे हैं देन आपको एक डिफरेंट मटीरियल लगेगा बट हम लोग हर कमेडियन का एक इंटरेस्ट एरिया रहता है जैसे अभिषेक उपमंद्यू पेरेंट्स के बारे में बात करता है मम्मी ऐसी बोलती है मुझे मैं कभी कभी कॉमेडी देखने सीखने जाता हूँ मतलब लेट्स से जाकिर इंदौर या बॉम्बे की बात कर रहे हैं राइट इंदौर से बड़ी शहर में आने में क्या चेंजेस है इंदौर में जॉइंट फैमिली में बैठ के टीवी देखने में क्या मजा है मुझे एक इंसाइट मिलता है एक इंडिया का यू नो जोक्स तो है ही बट एक अजीम जब बात कर रहा है अबाउट बींग अ सर्टन काइंड ऑफ अर्बन इंडियन मुझे एक इंसाइट मिलता है अनिर बान जब बात करता है तो हर सौरभ पंथ या वीर दास सो ई चो बस यू नो इसलिए कॉमेडी मुझे लगता है आई मीन सक्सेस पर कुछ कॉम्पटिशन हो सकता है कोई बड़ा हो गया कोई ये हो गया कोई पैसा ज़्यादा पैसा बना लिया ये वो लेकिन स्टोरीज़ में हम लोग सब अलग अलग स्टोरीज बोल रहे हैं हम लोग सब अलग अलग गाना गा रहे हैं सो इट डजेंट मैटर दिज नेवर एनी कॉम्पिटिशन बिकॉज एवरी वन इज टू जस्ट मेक पीपल या बिकॉज दे कैन ओनली बी ऑथेंटिक टू दम सेल्व अतुल खत्री फॉर एग्जाम्पल जो स्टोरीज बोल रहे वो मैं कभी बता नहीं सकूँ मैं जो स्टोरीज बोल रहा हूँ कभी बिकॉज हम लोग के अपब्रिंग डिफरेंट है इंटरेस्ट डिफरेंट है और ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी मालूम है Yes. That you know, when I say that I am a balding middle aged Bengali man, mm. you know, who speaks English a certain way. Mm. They know who is this person. <laughs> and they because they've met them in their office, they know yeah. a guy like that. Correct. So I have to be true to that person. Yes. Whereas say a comedian colleague has to be true to himself. You know, mm. like uh, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ष गुजराल या बस्सी उन लोग आई फाइंड देम वेरी फनी बिकॉज हर्ष गुजराल थिंग इज सो स्पेसिफिक यू नो दैट इज़ फ्रॉम हरियाणा और वो लोग वहाँ के लोग ऐसे बिहेव करते हैं एंड मैं कुछ नहीं जानता हूँ उस इन उस एरिया के बारे में और उस उस इंडिया के बारे में उसके स्पेसिफिक्स में कुछ नहीं जानता बट आई कैन अस्यूम दैट अच्छा वहाँ ये होता है और वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं फॉर मी दैट्स नाफ फॉर द कॉमेडी राइट आई डोंट नो मानिक मन्ना ही कॉमेडियन वेरी फॉन्ड ऑफ ही इज ऑन यू इज वेरी फनी

अभी बट ये लोग भी तो इंटरनेशनल कमीडियंस देख रहे हैं यू नो इतने इंटरनेशनल कमीडियंस आ रहे हैं यहाँ पर सो आई थिंक लेट्स अगर बिगिनिंग में सबका स्टाइल था कि क्लियरली हम लोग बात करेंगे लेट्स ऐसा एक कोई स्टाइल था कि क्लियरली हम लोग एक आइडिया को कन्वे करेंगे एक स्टाइल फ्यूचर में आ रहा है हो सकता है नए कमेडियंस जो ऑन पर्पस अपना स्टोरीज को इनआर्टिकुलेट बना देंगे या ऑन पर्पस वो लोग स्टटर करेंगे या ऐसे बात करेंगे बिकॉज़ दे विल मेस विद द फॉर्म ऑफ द कॉमेडी नॉट जस्ट द कंटेंट और ऑन पर्पस नर्वस आईिंग कैरेक्टर प्ले करेंगे बिकॉज़ दैट शो भी नमन नमन अरोरा ने किया आई डोंट नो इफ यू नो हिम सो ही वाज एक्चुअली ही वेंट ऑन समई शो जो इंडियाज गॉड लेटर चल रहा है एंड उसमें ही प्लेड अ कैरेक्टर

एज अपेज टू जो कॉमेडी देखिए पुराना जो स्टाइल ऑफ कैरेक्टर्स है एंड एंड आई डोंट नो इनफ सो आई कुड भी रॉन्ग अबाउट दिस बट कुछ स्टेपल्स हैं ना कोई क्रॉस ड्रेसिंग करेगा कोई कुछ स्टैंडर्ड कुछ स्टेपल्स हैं कोई फैट सूट में आएगा यू नो आई डोंट थिंक ये लोग ये कर रहे हैं आई थिंक ये लोग का स्टाइल थोड़ा अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है ये सब पुराने जिस ड्रेसिंग एज अ वन या यू नो फैट सूट या बाइक में आ गया या विक पहन के आ गया यू नो आई थिंक उसका समय था अभी अभी थोड़ा नया नयांस जो है दे स्टिल्स कपिल शर्मा इज डूइंग इन की बट उसको भी नेटफ्लिक्स ने अभी उठा लिया नाउ आर लाइक मेकिंग शो विथ हिम सो मासी ऑडियंस इज कम्प्लीटली देर सो इज लाइक स्टैंड अभी भी इतना नी है दैट यू नो आई डोंट थिंक इट इज़ नीशनी मोर बिकॉज अव सीन लाइक 2000 3000 थ्री थाउजेंड सीटर रूम्स लाइक फिलिंग इन विथ पीपल यंगस्टर्स इज स्पेशल सो अभी यही फ्यूचर है इसका द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी इन फैक्ट नहीं बट हर देश में ऐसा है मतलब हर आप एक मास एंटरटेनमेंट आप अमेरिका भी देखिए मास एंटरटेनमेंट कॉमेडी है, है हुँ, हुँ, और छोटे छोटे नीच कमेडियंस भी हैं सो so हमारे देश में वही हो रहा है यू नो you know, एक बड़ा टॉक शो जैसे स्टीफन कोलबे या जैसे जिमी फैलन का शो है Uh, वो जिमी फालन का एक स्टाइल है मुझे वो वेरी uh, मतलब फनी नहीं लगता है बट mm. उसको वो गाना गाता है वो कैरी ऑक करता है एक्सरसाइज करता yeah. है यू नो लाइक ही डज वेरी पॉपुलर राइट सो लाइक इट्स द इक्विवलेंट ऑफ कपिल शर्मा आई वुड से कपिल शर्मा इज मच फनी जिमी फैलन इन समेज ही एक्चुअली इज फनीर मतलब उसके कॉन्वर्सेशन आर फनीर बटिश कमीडियंस भी हैं yeah. जो बहुत बड़े हैं तो एग्जैक्टली exactly जहां दुनिया और में जहां हम लोग तो कोई अलग प्लेनेट से नहीं है ना सो वही सिस्टम्स यहां हो रहा है या yeah. कोई But कोई पॉलिटिकल uh, हाँ. कॉमेडियन uh, मतलब होगा कोई सिर्फ मतलब वेल्थी कॉमेडियन होगा कोई सिर्फ फाइनेंस के लिए कॉमेडी करेगा hmm. ये, ये सब तो होने ही वाला हर टॉपिक पे नहीं कर सकते ना बिकॉज़ पीपल हैव बिकम सो वॉक

मोर देन दॉक अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है मुझे नॉलेज नहीं है मुझे थोड़ा सोचना है कैसे स्ट्रक्चर करना है hmm, hmm. और फिर उसके पॉलिटिक्स क्या है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब ये, ये, ये जो का इन एंड आउट पॉलिटिक्स क्या है hmm, hmm, hmm. तो एंड विच साइड ऑफ द पॉलिटिक्स एम आई ऑन वो, वो बहुत इम्पोर्टेंट yeah. है जैसे मेरा एक बहुत लंबा सेक्शन है बॉम्बे में जो मैं बॉम्बे में करता हूँ ऑन बिल्डिंग नेम्स राइज हर, बॉम्बे हर, uh, में uh, अगर आप देखेंगे उसका हर बिल्डिंग <laughs> उसका एक बिल्डर का बेटा का नाम है और एक ग्रीक गॉड का नाम है वरुण हिलियोस <laughs> सुधीर हर्कुलिस राजीव पेगासस मैं सब जगह देखा बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट दैट यू नो अगर हर्क्यूलीज बॉम्बे में आता तो वो सोचता मैं

This is a joke where nobody's suffering, really, yeah. because the naming is silly. Hmm. Mm -hmm. The mm -hmm. person who's come up with, you know, through <laughs> <kalpatru> Plato, <laughs> or, you know, or Rajiv Socrates, <laughs> he has to think about it, yes. right? Yelp but nobody's being hurt. So, a hmm. Now, if may offended, who is topic topic, hmm. that will depend on the joke. Kya hai. वर्क डिबेट तो, तो, अभी ये, मैं offended हो गया इस देश में बाहर कहीं भी मैं जोक uh, सुनना चाहता हूँ बिकॉज hmm. मुझे मालूम करना है की ये मतलब डिबेट का कौन साइड पे है ये hmm. Hmm. The, this, this, और कभी कभी आई लिस्ट टू इट एन आई थिंक हाँ दिस इज ऑफेंसिव एब्सोल्स

फर्नीचर yeah. <laughs> you know बेचेंगे, <laughs> <laughs> बेचेंगे उसमें तो कॉमेडी करेंगे वो भी डेंजर है तो yeah, yeah. ये हम लोग का थोड़ा पागलपंथी है अभी यही देश है अपना क्या कर सकते है <laughs> so पुटिंग आउट वो हुँ, है हुँ, हुँ. लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है यू नो you know, तो वही वही है ना कि, कि वो लाइन मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे तो मालूम नहीं है मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है मैं जाके स्टेज पे बोल रहा हूँ अभी कोई अंकल

थोड़ा मैं जो बोलने वाला हूँ शायद थोड़ा सेक्ट्रिलिज़स है मेरे पास कोई जोक्स नहीं है मतलब आ, मैं पंद्रह साल से कर रहा हूँ हाँ। एंड मैं ट्राई किया हूँ टू राइट जोक्स पर होता नहीं है मुझे इनफैक्ट uh, ये ये What? ये बहुत एक टेरिफाइंग कन्फेशन है मेरा मुझे जोक लिखना आता नहीं है oh. मैं ट्राई किया हूँ मैं यू नो you know, मतलब जैसे जोक्स लिखते हैं ना जैसे यू नो फोर वॉक अ बार फिर ये होता है ये होता है ये होता है पंचलाइन वैसा कॉमेडी मुझे लिखना आता नहीं है अच्छा तो मैं ऑलवेज सीन्स लिखता हूँ मेरे कुछ लाइक अगर मैं ए, कुछ लिखना चाहता हूँ कि एयर इंडिया काउंटर में बहुत शाउटिंग होता है उस पर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं वो सीन को विजुअलाइज करता हूँ और फिर मैं, मैं सोचता आदमी क्या बोलेगा ये आदमी क्या बोलेगा ये आदमी क्या बोलेगा मैं क्या, क्या बोलूँगा सीन में क्या हो रहा है मैं वैसे लिखता हूँ इसलिए मुझे अगर आप मुझे बोलेंगे एक जोक बताओ मेरे पास कुछ है नहीं मेरा स्टाइल ही ऐसा मेरा राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि एक जोक बताओ <laughs> Four sorry, DJs sorry. walked into a bar. <laughs>

हाँ वो आपके कॉलेज टाइम पे आई थिंक exactly. हम लोग बनाए थे नहीं नहीं you... मैं क्या बोल रहा हूँ आम बिंग फसीशियस बट आई एम बिंग सिली बट मैं क्या बोल रहा हूँ हर mm. आदमी का एक अलग स्टाइल होता है कुछ yeah. लोग वन लाइनर्स बहुत अच्छे लिखते हैं mm. और बहुत स्ट्रक्चरली कुछ लोग पॉइंट्स uh, अच्छे बनाते हैं mm. मतलब यू नो दैट इन इंडिया दिस 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 बट दिस 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 वो लोग कुछ डेक्लेटिव स्टेटमेंट्स अच्छे लिखते yeah. हैं मेरा जो स्टाइल है वो सीन्स बेस्ड है Mm -hmm. तो तो बिकॉज मैं स्क्रिप्ट राइटिंग से आया हूं mm -hmm. तो मैं ऑलवेज कुछ एक सीन सेट करता हूं mm -hmm. और उसमें कभी कभी मैं ऑन स्टेज चेंज भी कर देता हूं बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन जी बिकॉज ऑफ द ऑडियंस या और या मेरा एक एनिक है एक अंकल के साथ मैं फॉरेस्ट में, में लायन देखने जा रहा था वो स्टोरी में हर बात बताता हूँ हर बार डिफरेंट चीज होता है हाँ। कभी कभी लायन कुछ बोलता है कभी अंकल कुछ बोलता है मैं, और हाँ। वही मजा है स्टेज में करने का बिकॉज इट्स लाइक अ गिटार रिफ कहीं और चला जाता है वो सो यू लाइक प्लेइंग जी कैसे कौन, कौन सा आ रहा है नहीं तो जी जी ऑफकोर्स नहीं तो थिएटर बन जाता है न नहीं तो अगर सब कुछ रिहर्स है और वो बहुत बोरिंग है I think after a while, because मुझे मालूम है एग्जैक्टली लाफ खरीदने का hmm. ट्रॉमा जो मुझे कमेंट्स पढ़ना पढ़ रहा है डेस्क <laughs> खरीदने के पहले okay. मुझे बारह इंडियन लोगों के कमेंट्स पढ़ना पढ़ रहा है हाँ. और एक दो झगड़ा भी हो रहा है कमेंट्स में <laughs> सो अभी हर टाइम मैं करता हूँ स्टेज पे कॉमेंट्स बढ़ता जाता है कभी कभी जो लाइन्स बता रहे वो लोग वो बल वो चेंज, चेंज हो जाती, हो, हो जाती हाँ, है हाँ। और मैं अभी तक स्टोरी ख़त्म नहीं कर पाया हूँ जहाँ पे मैं डेस्क ख़रीदता हूँ

पॉडकास्ट पे चलता रहता है बिकॉज वो वो कमेडियंस कैसे सोचते हैं अभी मुझे एक लाफ मिल गया मैं अभी बंद कर सकता हूँ hmm. अगर आप ये एक्टर या कोई और आर्टिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे hmm. उन लोग का सोच ऐसा नहीं है hmm. उन लोग का सोच है कि अभी एक स्टोरी है हम लोग फिक्शन को कितना बिल्ड कर सकते हैं सो दैट्स वाई पॉडकास्ट जाता है और फिर हम लोग के एडिटर्स को बचा देते हैं जो एक्स्ट्रा हो गया काट <laughs> देते हैं बट बट बिकॉज उस आई डोंट स्पीक फॉर हिम बट उसका माइंड कॉमेडी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है hmm. एक सर्टन फ्रीडम है जो जो जिसके वजह से हम लोग मैं जैसे लाइव स्टेज करता हूँ वैसे ही हम लोग hmm. आलास भी कर सकते हैं hmm. एक जनरल सवाल पूछू प्लीज वॉट इज कॉमेडी फॉर यू मुझे मुझे आई कैन टेल यू क्या मुझे पसंद नहीं है hmm. मतलब मुझे जो कॉमेडी पसंद नहीं है आ, वो है कि कॉमेडियन इज क्लेवरर देन ऑडियंस एक तरह की कॉमेडी होती है ना जब कॉमेडी बताए मैं बहुत चालाक आदमी हूँ hmm. और मैं आपको कुछ जोक्स बताऊंगा <laughs> और आप हंसेंगे यू नो वो आई कॉन्ट स्टैंड दैट बिकॉज मतलब वो स्टाइल वो मुझे पसंद नहीं है बिकॉज वो hmm. एक स्टेटस का स्टाइल है hmm. मतलब वो एक पोजीशन ऑफ सुपीरियोरिटी से आ रहा है hmm. वो मुझे एकदम पसंद नहीं है मुझे जो कॉमेडी पसंद है वहाँ पे प्रोटैगनिस्ट को कुछ सफ़र करना चाहिए और यूजुअली मैं ही वो प्रोटैगनिस्ट हूँ <laughs> और मेरे जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है जहाँ पे मुझे इधर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना पड़ता है या मुझे कुछ सफ़र करना पड़ता है और वहाँ मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या कोई और के साथ हो रहा है वहाँ से मेरी राइटिंग शुरू होती है absolutely it's from a position also, of failure never of power yeah this is also another conundrum so i have a few conundrums of for course you. of course i'm <laughs> missing it. kunal I, <laughs> i'll i'll send this across to him also <laughs> let's Please. get his opinion on it as well but uh, i have like 3 which i have like apne haathon se maine ai se nikalwaye lovely apne se ai what a clever combination so the first one e, ek me

This is the question. It's a great question. A, but do you want to leave the group? You can't leave the group because they're relatives. I assume parents and all are in there. So, yeah. I, so you can't leave leave the group. But if if you mute them, they'll know. They'll, they'll know. Reply Correct. So this is a the family group is a is a big conundrum. Hmm. See the leaving the family group is like leaving the family. <laughs>

एंडलेस <laughs> नहीं देखिए जैसे uh, मुझे फैमिली ग्रुप्स या बिल्डिंग ग्रुप्स बहुत पसंद आते हैं जब कोई झगड़ा शुरू होता है दैट्स दैट्स इट्स रियली फॉर कोई माई मदर माई आंटो कोई बोलेगा नो एंड ऐसे अभी मजा <आने> हो <laughs> You know, that's the best thing. And especially when the the one who's angry and that person leaves the group. And ah. then the other person adds him like hey. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. And I've I brought uh, sunena back. Yeah. You know, because I think that this group treated her with a lot of disrespect. <laughs> sunena please see. <laughs> this has, this, has this ever happened to you where you had to like leave the I've, group? we have never left because it's high quality stuff. Mm -hmm. And also I'm older now. Huh. But I have a cousin, uh, my my sister that I'm quite close to, and uh, she will sometimes if I'm busy mm -hmm. send me a message saying, uh, bro, great stuff going on in the group. <laughs> <laughs> so then I'll return then jump back. and see the. I was like, oh yeah, very good stuff going on. You know, so sometimes I'll get uh, stuff like that. That's amazing. Uh, so it is definitely a conundrum. If you, it is upon you whether you have to do it. <laughs> yes. Because uh, I दूसरों <laughs> Yeah i've had it with this group i'm leaving this group i'm leaving this family wow. so then go full suraj bhajati yes. full not 50% suraj bhajati yeah and the next morning you can just again send them sorry home. everyone yeah, yeah. <laughs> i've come morning. back send two flowers do you come back like that also yeah you've defeated and come back the second one is yeah. the nosy neighbor okay so i have a neighbor who practices they are singing at 5 a.m every day and they sound like a broken horn how do I get them to stop them without crushing their Bollywood dreams? It's a tricky one. I used to live near a laughing club. Uh -oh. Make laughing club and and oh God. uh mujhe, us comedy bot <laughs> <laughs> Laughing for no reason. Yeah. <laughs> because the <laughs> first sign of madness is that you're not going You know, like, I'm saying that <laughs> there must be a reason. Na? Like yeah. now you're doing a podcast, you're laughing because you're chatting with somebody, mm. we talk about funny things. <laughs> if you're home alone mm. आप नूडल्स बना रहे यू ओंट जस्ट स्टार्ट लाफिंग ना फॉर नो रीजन सो मैं एक लाफिंग क्लब के पास रहता था एंड hmm. कभी कभी मैं छुप के

You know, abroad me, huh. someone in an American family, they'd say, you know, whatever, hmm. John, I really don't think you're cut out for tennis. We're <laughs> bowling here, right? Directly, I don't think you're cut out for <laughs> tennis. हमारे बोलते नहीं just generally, they just discourage you enough so you yourself also. Uh -huh. वे यू से यू नो समन से स्क्वाश जाना है मुझे नहीं आज छोड़ दो क्यों जा दे नो नहीं होगा यू नो सो दे जनरली डिस्करेज यू टूवर्ड्स फेलियर बट इट इज नॉट ओनली दैट आई थिंक इट इज इट इज अ मेंटालिटी इन डिफरेंट स्पेसेस आल्सो इन इंडिया समवेयर बिकॉज़ आई नो कि ऑफिसेस में ही होता है कि व्हेन व्हेन दे व्हेन दे थिंक दैट दिस वन एम्प्लॉय इज नॉट डूइंग वेरी गुड हां दे विल जस्ट मेक दैट पर्सन सी सो बैड दैट ही रिजाइन कर दे ही फायर नाउ इट्स अ स्टाइल एक्चुअली इट्स हाउ वी डील विद एवरीथिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर Correct. उट नो आई थिंक इट्स बोलते हैं ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं मुझे कोई और नौकरी ढूंढ देना चाहिए डायरेक्टली यहाँ पे वहाँ से अपोजिट अरे लंच पे चलो लंच पे वैसे भी तो क्या कर रहे हो यू नो सो यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली सेइंग टू यू 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 नो बॉस बॉस विल जस्ट जस्ट कम ओह डोंट हैव एनीथिंग टू डू एंड आई आई फीलिंग या और इवन इफ लीव एट सेवन थर्टी एट ओ क्लॉक

Uh, you look damn fat today you know mm -hmm, like mm -hmm. and it wasn't violent but but verbally your blunt. generation or blunt, yeah, cruel bullying. Mm. so uska comeback, mm. you know if you're not physically strong mm. uska comeback ready on are important important mm. so a lot of Gen X comedians came from that kind of are we of course ki what would be your you know um, advice to the people who are upcoming in this industry and who are looking you know to थोड़ा थोड़ा जैसे स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए वट बी ऑथेंटिसिटीज ऑथेंटिसिटी ऑलवेज ऑलवेज ऑथेंटिसिटी मतलब आपका जो जिंदगी है mm -hmm. आपका जो है mm -hmm. वो नेवर ट्राई टू बी सम अदर हु ऑलरेडी एग्जिस्ट मैं बहुत कभी कभी क्लासेस करता हूँ क्लासेस में मुझे यंगस्टर्स बहुत बोलते हैं कि मुझे इस तरह का कमेडियन बनना है मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स एक्चुअली नॉट इंडियन Yeah. मतलब जो या मिलेनियल कमेडियंस हैं मुझे जो mm. बोलते हैं मुझे डैनियल स्लॉस की तरह बनना है मोस्ट ऑफ़ द एग्जांपल्स ए गिव मी अ फॉरेन कमेडियंस मुझे ऐसा बनना है mm. तो आई सेड बट आप हो कौन यू नो लाइक योर इंटरेस्टिंग स्टोरीज राइट इज टेकन ही इज ऑलरेडी टेलिंग स्टोरीज हु वॉट योर स्टोरीज राइट वो सो माई ओनली एडवाइज इज अगर आप ऑथेंटिक mm. हो और फनी तो आपके स्ट्रक्चर ऑफ जोक्स बताएंगे mm -hmm. काम हो जाएगा बिकॉज yes. दस और लोग देखेंगे और सोचेंगे ये तो मेरा जिंदगी में भी हो रहा है यू नो सो आई थिंक द मोस्ट ऑथेंटिक द पीपल हु आर वेरी स्ट्रांगली पोलिटिकल इन द कॉमेडी राइट लेट्स दे स्ट्रॉली बिलीव इन दो थिंग्स दे टॉक अबाउट द फैक्ट दैट पीपल आर लाफिंग इज अट प्रोडक्ट दैट आई थिंक Absolutely! What a great note to end this show on. Thank you so much for coming. Thank you, Thank you I'm for having so me. glad that I could have like a podcast session with him because I could. I used to only watch you on YouTube and. Please, please, whatever you do, uh, please listen to this wonderful podcast, comedian. कहीं के? जी इट्स के yes. मैं तो कलकत्ता का कॉमेडियन हूँ <laughs> <laughs> और अभी बम्बे में रहता हूँ बट कमेडियन सारे इंडिया में है अभी एंड दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल शो विच आई वज वेरी फॉर्चुनेट टू बी ऑन वे वी डिस्कस द क्राफ्ट ऑफ कॉमेडी द आर्ट ऑफ कॉमेडी एंड

तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड आई एम श्योर sure आपको अच्छा लगा होगा बिकॉज आई एंजॉय द कॉन्वर्जेशन अ लॉट एंड आई एम गोन कम बैक विद अ लॉट मोर फन कॉन्वर्जेशन विद अ लॉट मोर कॉमेडियंस ओनली ऑन रेडियो सिटी स्टेट